इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है, राइट? तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी जो वित्त मंत्रालय जो है, उन्होंने एलोकेट किए हैं एडिशनल फंड 10,000 करोड़ रुपए के, क्योंकि हुआ ये था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हमें ये स्कीम जो प्रोग्राम देखने को मिलता है इसके तहत जो बजट एलोकेट किया गया था, तो बजट का पैसा पूरा खत्म हो गया, इसलिए अभी एडिशनली 10,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में ऐड किया गया है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। तो हम लोग समझते हैं मनरेगा के बारे में, जो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। स्कीम 2005 में सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, इसमें गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की। और गाइज ये एक की, फिर आप कह सकते हो कि एक मुख्य सिद्धांत या की प्रिंसिपल हम लोग को सामाजिक उपाय और श्रम कानून का देखने को मिलता है, सोशल मेजर और लेबर लॉस का देखने को मिलता है। और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो लीगली रूरल इंडिया में यानी कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, इनहेंस हो सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, श्रमिकों की, वर्कर्स की। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट कम से कम 100 दिनों के लिए अचीव करना, जनरेट करना, राइट, और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। अनस्किल्ड लेबर्स जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो वर्कर्स, तो उनके पास ऐसे कोई स्किल्स होती नहीं है, राइट, तो ऐसे वर्क में जो है वो उन्हें शामिल करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है, और ये रूरल एरियाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड को मजबूत बनाता है, आजीविका के आधार को सशक्त करता है ये, राइट, ये स्कीम। तो ये सब चीजें इस स्कीम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, तो ड्यूरेबल एसेट, लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुएं हो गए, पॉन्ड हो गए, तालाब वगैरह हो गए, रोड हो गई, नहर हो गए, कैनल्स हो गए, राइट। इसमें टारगेट ये भी किया जाता है कि गांव क्षेत्र से लोग जो है वो माइग्रेट करके अर्बन क्षेत्रों में ना चले जाएं, उनको गांव क्षेत्र में ही, क्योंकि देखो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है अर्न करने की, कमाने की, तो यहीं पर ही अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए उनके गांव के एरिया पर ही, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो क्यों माइग्रेट करेंगे, तो इससे माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है, तो ये भी इसका एक की ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि काम गांव क्षेत्र के आसपास ही होना है, रोड बनाने का, कुएं बनाने का, ड्यूरेबल एसेट बनाने का, तो इससे ये फायदा मिलता है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये बेनिफिट्स रिसीव करने का, यानी कि किन किन वर्कर्स को शामिल किया जाता है मनरेगा के अंदर। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 18 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए जिस समय वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। यहां पर ये भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है, एप्लीकेंट जो है, वो लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस पंचायत की, लोकल ग्राम पंचायत की जो हमें देखने को मिल रही है, जो एप्लीकेशन आई है, तो वो व्यक्ति उसी पंचायत का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि वहीं का ही हाउस होल्ड होना चाहिए, घर होना चाहिए, निवासी होना चाहिए वो, राइट। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, राइट, कि वो अपनी इच्छा से अनस्किल्ड लेबर करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम करने के बाद फिर मना करने लगे कि देखो हमें अनस्किल्ड लेबर करवाया जा रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था अनस्किल्ड लेबर मुझे मिलेगा, राइट। बट सामने वाले को पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी वर्क कंडीशन किस प्रकार की होगी, किस टाइप के आपको काम जो है वो दिए जाएंगे। तो देखो इस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आवेदन जमा करने के, एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर, या फिर जिस दिन से काम की मांग होती है उस दिन से जो एप्लीकेंट है उसको वेतनिक रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये मान सकते हो आप कि जिस दिन से काम की मांग वो करते हैं या फिर एप्लीकेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, मतलब कि फिर अब वो मतलब 100 डेज का उनको डेफिनेटली वेज मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर ये भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार अगर 100 डेज का काम नहीं दे पा रही है तो भी 100 डेज की इनकम जो है, वेजेस जो है वो सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी वर्कर्स को, तो यही इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम की मांग करने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ
एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोशल ऑडिटिंग की भी इसकी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पता अधिकारी अपने जेब में पैसा जो है वो दबा लें, राइट, और ये बोल दें कि वर्कर्स आए नहीं या वर्कर्स शामिल नहीं हुए या फिर मतलब फेक वर्कर्स वगैरह रख लें। तो ऐसा नहीं होना है, इसमें प्रॉपर ऑडिटिंग भी जरूरी है। ऑडिटिंग बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं तो फिर कई बार हम देखेंगे कि वैसे ही हम लोग के यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है। तो इसके अंदर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, जैसे कि सोशल ऑडिट किया जाए, मैंडेटरी करना, सोशल ऑडिट का होना मैंडेटरी है, लेखा परीक्षण होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत घोटाला जो है वो इस स्कीम के तहत हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है घोटाले को रोकने के लिए। और मजदूरी की मांग करने हेतु अपनी आवाज उठाने और शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम सभा इसका एक प्रमुख मंच है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्कर को अगर कोई शिकायत करनी है इस स्कीम के तहत तो कहां पर वो कर सकते हैं, तो ग्राम सभा पे कर सकते हैं। और अगर उनको जॉब चाहिए तो भी वो ग्राम सभा पर अपनी आवाज उठा सकते हैं कि उनको जो है वो जॉब चाहिए। फिर ग्राम सभा के अंदर उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन उन्हें भरनी और कैसे इनको जॉब जो है वो मिलेगी, राइट। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करते हैं कि वर्क जो है वो किस प्रकार के होंगे, यानी कि उनकी विलेज में, उनके गांव में क्या क्या काम जो है वो करवाना है, किस प्रकार के ड्यूरेबल एसेट्स बिल्डअप कराना है, और उसकी प्रायोरिटी जो है ये फिक्स करेंगे कि कौन सा काम जो है वो पहले होना चाहिए। तो काम देने वाली अथॉरिटी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। क्लियर आपको यहां तक बात है? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए।